पोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन के समीप बने रेलवे अंडरपास का लगातार शिकायत के बाद पोटका अंचल अधिकारी निकिता बाला पहुंचे निरीक्षण के लिए। उन्होंने घूम घूम कर अंडरपास से स्कूल जाने वाले बच्चों, उनके अभिभावकों, स्थानीय ग्रामीण लोगों को हो रही परेशानी को लेकर चारों तरफ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोटका अंचल अधिकारी निकिता बाला को रेलवे अंडरपास के कार्य से असंतुष्ट दिखी। उन्होंने कहा, संबंध में जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल को वस्तु स्थिति के संबंध में रिपोर्ट से अवगत कराऊंगी। वहीं उपस्थित स्थानीय शंकर चंद्र गोप ने कहा, इस अंडरपास को लेकर हम लोगों ने कई बार लिखित में शिकायत दी, हालांकि इसमें दिशा में किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। बच्चे अंडरपास छोड़कर बगल के लाइन को पार कर जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ तो हमारे कई अधिकारी यहाँ आए पहुंचे हैं, देखे हैं, वीडियो साहब भी आए थे, आज अभी तुरंत हमारे सीओ साहब भी साहिबा भी आई थी, देखे, देख करते काम देख के तो अचंभित हो गए, भाई ऐसा कैसे रेलवे विभाग का काम ऐसे कैसे हुआ। तो हम लोग कुछ बताए, हम लोग का जो तत्कालीन जो असुविधा है कि ढलाई उखाड़ने वाली रास्ता की बात बताया, धूल की बात बताया, अधूरी जो ढलाई है उसके बारे में बताया उनको, और जो लाइट के बिना यहाँ आवागमन कई दिक्कतें आएगी भी हम लोग बताए, वो भी अपने इस तरह से देखे, देख करके काफी असंतुष्ट रहे सीओ साहिबा, देख करके असंतुष्ट रहे, भाई कैसे रेलवे विभाग में ऐसे काम कैसे होता है। तो जो भी हो आप देखे और ठीक है, हमारा स्तर से जो होगा हम अब करेंगे, वीडियो साहब से बात करेंगे, वो भी तो आए थे और अपना स्तर से वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।